मेरी माँ और मातृभूमि को कोई नीच पापी छू नहीं सकता, उनकी छाती चीर कर उन सबको ये कहने जा रहा हूँ मैं। आज हम बात करने वाले हैं साउथ के ऐसे फिल्मों की जिसे आप एक बार नहीं बल्कि बार बार भी देखेंगे तो आपका मन यही कहेगा कि एक बार और देखते हैं। वैसे तो इस लिस्ट में कई सौ फिल्में हैं, लेकिन इस सब में से हमने सिर्फ पांच ही फिल्मों को लिया है। तो चलिए जानते हैं साउथ के उन पांच फिल्मों के बारे में जिसे आप ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर कह सकते हैं। तो अगर आपको भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में उस घंटी को भी दबाएं ताकि नए वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। नंबर पाँच, अनियान। मेरे सामने एक्टिंग करते तेरी तो तुझ में हिम्मत है तो चला गोली, चला गोली। ये एक थ्रिलर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है एस शंकर ने और इस फिल्म के लीड रोल में है विक्रम, साधा, विवेक, प्रकाश राज। विक्रम ने इस फिल्म में एक ब्राह्मण वकील का रोल अदा किया है जो हर किसी को कानून का पालन करने को कहता है और जो लोग इस बात को नहीं मानते उन पर मुकदमा चलाता है, लेकिन वो हमेशा असफल हो जाता है। गंदी राजनीति, घूसखोरी, रिश्वत और समाज में हो रहे घोर अपराध को वो नहीं देख सकता। इस बीच उसका गुस्सा उस पर इतना हावी हो जाता है कि वो एक अपरिचित के भेष में आ जाता है। अपरिचित एक वेबसाइट बनाता है जिसमें वो अपराधियों की एक सूची तैयार करता है और उन्हें प्राचीन हिंदू शास्त्र गरुड़ पूर्णम के हिसाब से उनको सजा देता है। ये फिल्म विक्रम की ऐसी फिल्म है जिसे आप हमेशा देखना पसंद करेंगे। इस फिल्म का साउथ नाम अनियान है और हिंदी नाम अपरिचित है। तुम्हारे सर में दर्द, फिर उसके बाद फिर। नंबर चार, विश्वरूपम। ये एक स्पाई थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म के लीड रोल में हैं कमल हसन, राहुल बोस, पूजा कुमार। फिल्म की कहानी विश्वनाथ की है जो एक कथक टीचर है और वो अपनी पत्नी पूजा के साथ न्यूयॉर्क में रहता है। एक दिन पूजा को विश्वनाथ के ऊपर शक होता है, तब वो उसके पीछे एक जासूस लगाती है और उसे पता चलता है कि उसके पति का एक पास्ट है। ओमार भाई एक आतंकवादी संगठन चलाता है। एक समय ओमार और विश्वनाथ एक साथ आतंकवादी ट्रेनिंग ले रहे थे। जहाँ ओमार आतंकवादी बन जाता है वहीं विश्वनाथ देश की सुरक्षा के लिए काम करता है। ये फिल्म तो 2013 में ही रिलीज हो गई थी, लेकिन इसकी कहानी अभी भी अधूरी है जिसके अगले पार्ट का दर्शकों को काफी इंतजार है। नंबर तीन, बॉम्बे। ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है मानी रत्नम ने और इस फिल्म के लीड रोल में है अरविंद स्वामी, मनीषा कोयराला। इस फिल्म की कहानी हमारे देश में हुए 1992 से लेकर 1993 की घटनाओं पर केंद्रित है, खास करके मुंबई में हुए 1993 की घटनाओं को ज्यादा बारीकियों के साथ दिखाया गया है। फिल्म में एआर रहमान का म्यूजिक कमाल का है। इस फिल्म में उनके म्यूजिक को काफी सराहा गया और कई अवार्ड भी मिले। पूरी तरह से ये फिल्म एक रोमांटिक फिल्म है जिसे आपको जरूर देखनी चाहिए। नंबर दो, शिवाजी। मुन्ना झुंड में तो सुअर आते हैं। शेर अकेला ही आता है। ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है एस शंकर ने और इस फिल्म के लीड रोल में हैं रजनीकांत, श्रिया शरण, विवेक, सुमन। इस फिल्म की कहानी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर शिवाजी की है जो अमेरिका से अपने देश भारत लौटता है और अपने 200 करोड़ के प्रोजेक्ट से गरीबों का भला करना चाहता है, लेकिन उसके इस काम में आदि शेषन नाम का एक बिजनेसमैन जो कि एक गुंडा भी है उसके काम में रोड़ा डालता है और कुछ सरकारी कर्मचारी जो कि आदि शेषन के चमचे हैं और वो उससे बार बार रिश्वत मांगते हैं। फिर शिवाजी अपने तरीके से सबको हैंडल करता है। फिल्म की स्टोरी और रजनी सर का एक्शन जबरदस्त है। इस फिल्म के रिलीज के दौरान अमेरिका के कई सिनेमा हॉल में काफी लंबी लाइन लग गई थी। कुल मिला के ये एक जबरदस्त फिल्म है। नंबर एक, बाहुबली। ये एक एपिक हिस्टोरिकल फिक्शन फिल्म है जिसे एसएस राजामौली ने डायरेक्ट किया है और इस फिल्म के लीड रोल में है प्रभास, अनुष्का शेट्टी, राणा दग्गुबाती और तमन्ना। इस फिल्म के बारे में क्या कहना, बस इतना कहना है कि ये फिल्म भारत ही नहीं बल्कि कई और देशों में रिलीज होके अपना नाम पूरी दुनिया में कमाया है। भारत के इतिहास में
जब भी सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्मों का नाम होगा तो बाहुबली का नाम जरूर आएगा। प्रभास और राणा की दमदार एक्टिंग, मजेदार लोकेशन, दमदार वीएफएक्स, इन सब चीजों की वजह से फिल्म को जबरदस्त सफलता मिली। इस फिल्म से बॉलीवुड को भी कहीं न कहीं एक सीख मिली है कि अब बॉलीवुड को अपनी घिसी पिटी कहानियों को छोड़कर कुछ नया करना चाहिए। इस लिस्ट में और भी कई फिल्में आ सकती थी, लेकिन हमने 5 ऐसे ही फिल्मों को लिया है जो हिंदी में भी है। और अगर आपको लगता है कि हमसे कोई फिल्म छूट गई है जिसे आप एक बार नहीं बार बार देखते हैं, तो हमें कमेंट में उस फिल्म का नाम लिखें, हम जल्द ही इसका अगला पार्ट बनाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट कर सकें। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें। आप हमें नए टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।